नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कबीरा एजुकेशन पे। मेरा नाम विनोद कांबले और आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया वर्सेस वायरसेस के बारे में। आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव बैक्टीरिया और वायरसेस के बीच का बेसिक डिफरेंस जानना और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनका संक्रमण कैसे होता है और इनसे बचा कैसे जाए, इनकी जानकारी भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर, पहले बात करते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरियल सेल के पांच एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, न्यूक्लियोइड, जिसमें डीएनए होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। हमें इसे न्यूक्लियस नहीं बोल सकते बिकॉज न्यूक्लियस को प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो बैक्टीरिया में अब्सेंट होती है, इसीलिए बैक्टीरियल डीएनए काइंड ऑफ फ्री फ्लोइंग होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। कुछ बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसे प्लाज्मिड बोला जाता है। दूसरा कंपोनेंट राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है। तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड बायलेयर से बनी है और सिलेक्टिवली सिर्फ कुछ आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। चौथा कंपोनेंट सेल वॉल, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट में वो अहम रोल अदा करता है, जिसमें शेप और रिजिडिटी मिलती है सेल को। पांचवा कंपोनेंट एडिशनल सर्फेसेस, जो कि प्रेजेंट भी हो सकती है या फिर किसी सेल में अब्सेंट भी हो सकती है, जिसमें कैप्सूल आते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं किसी भी सेल को। उसके बाद फ्लैजेला, पिलाए, जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी, जो स्विमिंग मूवमेंट है, उसमें हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस स्ट्रक्चर की। तो वायरस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से सिंपल होते हैं। इनमें तीन एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहला, जीनोम, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। दूसरा, न्यूक्लियो कैप्सिड, जो जीनोम को प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक प्रोटीन लेयर है। और तीसरा, एनवलप और एनवलप प्रोटीन्स, जो वायरस को होस्ट अटैचमेंट में मदद करते हैं, जो प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं। साइज एंड विजिबिलिटी, बैक्टीरिया और वायरसेस को हम अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते बिकॉज उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। मैं आपको बता दूँ, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर्स और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर्स। सो जो बैक्टीरिया है वो लगभग 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप से, जो कि यूजुअली हर लैब में होता है, उनमें हम उनको देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें वायरसेस की, तो उनकी साइज़ 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है, जो कि बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटा है। और इन्हें देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो बहुत ही महंगा है और सिर्फ कुछ ही लैब में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की। जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स नहीं होते। पैरासाइट्स यानी वो जो किसी और जीव पर निर्भर होते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स नहीं होते और इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वो रिप्रोडक्शन उनका होता कैसा है? जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है बाइनरी फिशिंग। इसमें क्या होता है, जो पैरेंट सेल है उसमें पहले डीएनए डुप्लीकेट होकर सेल एलोंगेट, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना चालू हो जाता है, सेल एलोंगेट होता है और आखिर में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो बैक्टीरिया को सिर्फ न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है। अगर उसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में न्यूट्रंस मिल जाते हैं तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है। वही वायरसेस की अगर बात करें तो वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो वो पहले सेल को अटैच करते हैं किसी एक लिविंग सेल को, जहाँ यहाँ पर जो दिखाया गया है वैसे एक लिविंग सेल को अटैच हो जाते हैं, फिर उनको पेनिट्रेट करते हैं, फिर होस्ट सेल की मशीनरी का, मतलब जो लिविंग सेल का खुद का मशीनरी है, उसी का इस्तेमाल करके नए वायरस पार्टिकल बनाते हैं और आखिर में वही न्यू वायरस पार्टिकल उस सेल को छोड़ के या फिर किल करके निकल जाते हैं नए होस्ट की तलाश में। इसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है।
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसी भी लिविंग एंटिटी का अहम पार्ट होता है क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। पहला डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि यूजुअली डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा आरएनए, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो उनमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। वहीं वायरसेस में देखें तो उनमें डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर उसकी जगह आरएनए भी हो सकता है। और सबसे अलग बात, डीएनए जो कि यूजुअली डबल स्टैंडर्ड होता है, वो वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड भी दिख सकता है, या फिर आरएनए जो कि यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इन्फेक्शन, अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं पैथोजेनिक या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में, जो हमें बीमार कर सकते हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं। पहले बैक्टीरिया इन्फेक्शन। जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है और उसे न्यूट्रिएंट्स मिलना चालू हो जाता है, तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है। उसी के साथ वो कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। सब बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते, बट कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स वो सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, ई कोलार एक्सेट्रा। वायरल इन्फेक्शन। वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है, तो सबसे पहले वो होस्ट सेल ढूंढता है। जैसे कि मैंने बोला था, वायरसेस आर इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स, सो दे नीड एन लिविंग सेल टू मल्टीप्लाई देम सेल्फ। सो वो लोग पहले होस्ट सेल को ढूंढेंगे, एंट्री करेंगे होस्ट सेल के अंदर, उन्हीं का मशीनरी यूज़ करके न्यू वायरस पार्टिकल बनाएंगे। वो न्यू वायरस पार्टिकल फिर वो होस्ट सेल को छोड़कर या किल करके नए होस्ट सेल को टारगेट करेंगे। तो ये इनका साइकिल चलते रहता है। इससे अल्टीमेटली टिश्यू डैमेज हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। कुछ अगर एग्जांपल देखें, जैसे राइनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू कॉज करता है, और न्यू कोरोना वायरस जिसने फिलहाल पूरी दुनिया का अटेंशन पाया है, जो कोविड-19 डिसीज़ कॉज करता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब ये फैलता कैसा है। तो मैं पहले ही बता दूँ, हर बैक्टीरिया और वायरसेस का स्प्रेड, जो फैलना या संक्रमण होना होता है, वो अलग अलग माध्यम से होता है। जैसे कि कुछ माध्यम मैंने नीचे एनलिस्ट किए हुए हैं। पर्सन टू पर्सन, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, कफिंग या स्नीजिंग भी अगर आप नज़दीकी होंगे तो इसका फैलाव हो सकता है। उसके अलावा एनिमल टू पर्सन, बर्ड्स और एनिमल्स के अगर क्लोज कांटेक्ट में आए, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहेंगे, जो ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू एनिमल, ऐसा कोई डिसीज़ तो भी ऐसा हो सकता है। इंसेक्ट बाइट्स, फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे किसी चीज़ पे बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट हो और आप उस चीज़ को हाथ लगाकर, वही हाथ अगर आपने मुंह पर लेके जाते हो, तो भी ट्रांसमिट हो सकता है। फिर फूड और वाटर भी, अगर उसमें भी अगर बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट रहेंगे, मतलब वो फूड और वाटर अगर कंटेमिनेटेड हो चुका होगा और उस फूड को आपने कंज्यूम किया बिना कुकिंग के, तो भी आप में बैक्टीरिया और वायरसेस ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस बैक्टीरिया या वायरस ने मुझे इन्फेक्ट किया है या बीमार किया है? तो उसी बेसिस पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय होता है। तो ये पता करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो फर्स्ट चीज़, कोई भी डॉक्टर, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपका सिम्टम्स देगा, जो लक्षण है वो देखा जाएगा, उसी के ऊपर क्या सैंपल लिया जाएगा, जिसके ऊपर आपका रोग का निदान होगा, वो तय होता है। कौन-कौन से सैंपल ले सकते हैं? तो ब्लड, यूरिन, स्पुटम मतलब थूक, या फिर अदर फ्लूड सच एज सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो कि ब्रेन में होता है, और कभी कभी टिश्यू सैंपल भी लिया जाता है। सो द सैंपल में बी चेक फॉर फर्स्ट माइक्रोस्कोपी, जिसमें स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। दूसरा कल्चर, मतलब जिसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ग्रो के लिए दिया जाता है। तीसरा डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज,
जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में प्रवेश करता है, अपना शरीर भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि स्पेसिफिक होती है किसी भी बैक्टीरिया वायरसेस के खिलाफ। तो अगर वो एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाए तो भी हमें पता चलता है कि किस बैक्टीरिया वायरसेस का इन्फेक्शन हुआ है। इसी प्रकार का डिटेक्शन में एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या, बैक्टीरिया वायरस में जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उनको एंटीजन बोला जाता है, उनका डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है सच एज डीएनए आरएनए, उसका भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने नीचे लिस्ट डाउन किए हैं। सबसे पहला और अहम है पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। वही आपको हमेशा हेल्प करेगा, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो कंडीशंस बाहर है उसमें पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंड है वैक्सीनेशन, जिससे कि आपको कभी भी जिस लिए वैक्सीनेशन दिया गया, जिस बैक्टीरिया वायरसेस के लिए दिया गया है, उसका इन्फेक्शन वापस कभी भी लाइफ में नहीं होगा। तीसरा है ईट वेल कुक्ड फूड। जैसे कि मैंने बताया, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन अगर है उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर आप खाना अच्छे से पकाएंगे तो अगर बैक्टीरिया रहेंगे या वायरसेस रहेंगे तो भी वो मर जाएंगे। चौथा है प्रिवेंट गैदरिंग इफ सिक। जैसे कि आप बीमार हो तो आप लोगों के क्लोज़ कांटेक्ट में ना जाए, अगर कोई और बीमार है तो उनके भी क्लोज़ कांटेक्ट में ना आए। तो दोस्तों, आज जो भी हमने बात की बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स लेके मैंने बनाया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ डाउट्स या क्वेरी होंगे लेट मी नो इन द कमेंट्स। डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कबीरा एजुकेशन। धन्यवाद।